सरकार के द्वारा शुरू की गई ई फार्मेसी के विरोध में प्रदेश भर में दवाइयों की निजी दुकानें बंद रही। सोलन जिला में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। सोलन शहर व क्षेत्रीय अस्पताल के समीप भी सभी निजी दुकानें बंद रही। दवाई विक्रेताओं ने सरकार से अपील की है कि ई फार्मेसी आम लोगों के लिए सही फैसला नहीं है, इसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोलन में दवा विक्रेताओं की हड़ताल से मरीज व उनके साथ आए हुए तीमारदार दवाइयों के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि इस हड़ताल से उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी हैं वह नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर दवा विक्रेताओं ने हड़ताल करके अपना रोष प्रकट करना था तो कम से कम अस्पताल के नजदीक एक दवाई की दुकान तो खुली रखते। हम राजगढ़ से आए हुए स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे दवाई लेनी थी अब और चेक करवाना है, तो यहाँ सारे केमिस्ट की दुकान बंद है, दवाई हमारे को मिलनी थी यही। यहाँ दिक्कत यही आ रही कि हमने अगर दवाई लेनी है तो कहाँ से ले, हम फिर हमने ये भी इतने दूर से आए भी है, फिर हमने दोबारा दवाई चेक भी करानी डॉक्टर को, तो हम कहाँ से करवाए। दवाई लेने आई थी पर केमिस्ट की शॉप बंद है आज, तो सबको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। केमिस्ट की ऐसी कौन सी डिमांड्स होंगी जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही है? अगर मैं तो ऐसा महसूस भी किया है, अगर एक रुपए की दवाई आती है तो ये 50-50 रुपए 40-40 रुपए की वो दवाई बेचते हैं। आगे इनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ही इतना दुनिया भर का है, फिर भी अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है। हाँ, कम से कम एक दुकान तो खुली हो ताकि पेशेंट परेशान ना हो। जिला अस्पताल सोलन के नज़दीक जितनी भी दुकानें दवाई की आप देख रहे हैं ये सारी बंद पड़ी हुई हैं, जिससे कि जो दवाई लेने वाले उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग बड़े परेशान हैं दवाइयों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मैं भी दवाई लेने के लिए आया था तो काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि दुकान खुलेगी, पर अभी तक कोई दुकान खुली नहीं है। वहीं दवा विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सूद ने हड़ताल के लिए दुख जाहिर करते हुए कहा कि ऑनलाइन दवाइयों की बेचने से लोगों की सेहत से खिलवाड़ है, इसमें कोई भी व्यक्ति दवाइयां ऑनलाइन बेच रहा है जिससे दवा विक्रेताओं के कारोबार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दवाइयों की ऑनलाइन विक्रय पर पाबंदी लगाई जाए ताकि लोगों के जीवन से हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। आज बड़े दुख के साथ हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए कोई भी 10वीं पास व्यक्ति भी आपको दवाई भेज सकता है, सिर्फ केवल अपनी पर्ची अपलोड करनी है। दूसरा, उसमें कौन ऑथेंटिक है, पर्ची ऑथेंटिक है या नहीं, दवाई ऑथेंटिक है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। समाज में केमिस्ट एसोसिएशन की इससे बदनामी होती है। हमारा सीधा सीधा सवाल सरकार से है कि इस तरह की गतिविधियां बंद की जाएं ताकि जो कानून के अनुसार 1940 एक्ट के अनुसार एक क्वालिफाइड पर्सन दवाइयां बेच सके और वो सही तरीके से अपनी जानकारी देके और पूरी डिटेल से कैसे खानी है, किस समय खानी है, उसकी सुविधा सब प्राप्त करवाता है। ऑनलाइन पे ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती।